सबसे बड़ी खबर है, गृहग्राम नाथिया नवागांव में मोहन मंडावी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी अध्यक्ष भी उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम नाथिया नवागांव में किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक गांव भी पहुंच रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी अध्यक्ष भी गांव पहुंचे हैं। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है इस दुख की घड़ी में। परिवार वाले बेहाल हैं, रो रो कर बुरा हाल है। रायपुर से खबर है, रविंद्र चौबे ने शोक जाहिर किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने मनोज मंडावी के निधन पर शोक जाहिर किया है। रविंद्र चौबे ने विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि आदिवासी वर्ग के बड़े नेता थे वो। अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे मंडावी। प्रदेश के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष की हार्ट अटैक से मौत हो गई और अब लगातार जो नेता हैं, समर्थक हैं, वो पहुंच रहे हैं उनके गृहग्राम और संसद है। हमारे परिवार में कभी जातिवाद नहीं किए, जनों जात को लेकर चले और हमेशा विकास की बात करते थे। हम लोग पारिवारिक अलग अलग पार्टी में रहते थे लेकिन कहीं परिवार का विग्रह नहीं हुआ। हम मिलकर के सोचते थे कि हम बस्तर का विकास कैसे चलें, हमारे लोगों का विकास कैसे चलें। हम जन जन के विकास के बारे में सोचते थे। आज हमारे लिए बहुत बड़े क्षेत्र के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ की राजनीति की भी बहुत अपूर्णीय क्षति है, खासकर हमारे बस्तर के लिए, क्योंकि बहुत ही दुखी जननेता थे और बचपन से उनको विरासत में, वैसे राजनीति में भी थे, उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। तो उनका एक अप्रोच था, उनका जो पहुंच था घर घर तक, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, तो एक बहुत बड़ी क्षति हमारे इस पूरे बस्तर अंचल के लिए, खासकर हमारे कांकेर जिले के लिए हुआ है। और अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, नेता माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष का अचानक निधन हो जाना, छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में इस वक्त जाहिर है कि शोक की लहर होगी। एक दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। अभिषेक, बिल्कुल, जो मनोज मंडावी थे वो बस्तर से ही उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। उनके साथ जो जिन्होंने पढ़े लिखे उन्होंने बताया कि वो अपने छात्र जीवन से ही लोगों की मदद करना और लोगों का प्रतिनिधित्व करना, नेतृत्व करना, ये उनके गुणों में था शुरू से और यही गुण उनको यहाँ तक लाया। आपको बता दूँ कि उनके इलाके में जो लोग उनके दल से नहीं थे, कांग्रेस से नहीं थे, उनके दरवाजे, मनोज मंडावी के दरवाजे मदद के लिए हमेशा उनके लिए भी उतने ही खुले रहते थे जितना अपनी पार्टी के लोगों के लिए खुले रहते थे। और ना वो जाति देखते थे, ना दल देखते थे, ना कोई पार्टी देखते थे, वो सभी की मदद खुले दिल से और खुले हाथों से किया करते थे। यही कारण है कि उनका कद उनके क्षेत्र में, उनके दल में, कांग्रेस के अंदर और छत्तीसगढ़ की राजनीति के अंदर भी यही उनके जो गुण थे उसी कारण उनका कद ऊपर गया था और विधानसभा उपाध्यक्ष तक बने। आज उनके निधन के बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग दुखी हैं बल्कि जो उन्हें पर्सनली जानते थे वो भी काफी निराश है। प्रशांत जी,
शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो शोक की लहर है छत्तीसगढ़ की।